हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ 16th of January 2022 के इम्पोर्टेंट करेंट अफेयर्स। सो फ्रेंड्स, करेंट अफेयर्स का अपना सेशन स्टार्ट करने के पहले हमने जो लास्ट डे का करेंट अफेयर्स पढ़ा था उसका रिविजन करते हैं, देन हम स्टार्ट करेंगे आज के अपने करेंट अफेयर्स को। फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो आंसर है फ्रेंड एस सोमनाथ जो है वो इसरो के अध्यक्ष बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया में पहली बार किस इंसान में सुअर का दिल ट्रांसप्लांट हुआ है? तो फ्रेंड्स ये हैं डेविड बेनेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किसने किया है? तो फ्रेंड DRDO के द्वारा इसका सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, IPL 2022 की टाइटल प्रायोजक कंपनी कौन सी बनी है? तो फ्रेंड्स टाटा कंपनी जो है वो IPL 2022 की टाइटल प्रायोजक कंपनी बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कजाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री बने हैं अली खान स्माइलोव। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, किस राज्य की सरकार ने सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों के लिए अधिकतम उम्र सीमा 32 साल से बढ़ाकर 38 साल कर दी है? तो फ्रेंड्स उड़ीसा राज्य की सरकार द्वारा ऐसा किया गया है। नेक्स्ट है, ऑनलाइन बीमा प्लेटफॉर्म रेन्यू बाई के पहले ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो राजकुमार राव को इसका पहले ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। नेक्स्ट है, इंडोमिटेबल अ वर्किंग वुमेन्स नोट्स ऑन लाइफ वर्क एंड लीडरशिप पुस्तक किसने लिखी है? तो अरुंधति भट्टाचार्य द्वारा इस पुस्तक को लिखा गया है। नेक्स्ट है, लोहरी महोत्सव 2022 किस राज्य में मनाया गया? तो पंजाब में ये महोत्सव मनाया गया है। सो फ्रेंड्स, आज का फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, किस देश में तैयार दुनिया का सबसे भारी सुपरसोनिक लड़ाकू विमान व्हाइट स्वान TU-160M बॉम्बर ने पहली उड़ान भरी है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, रूस के द्वारा ऐसा किया गया है। फ्रेंड रूस के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। तो रूस जो है वो एशिया महाद्वीप में स्थित एक देश है जिसकी राजधानी है मॉस्को और मुद्रा है रूबल। राष्ट्रपति है व्लादिमीर पुतिन और प्रधानमंत्री है मिखाइल मिसुस्तिन। फ्रेंड रूस के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट और बता दें आपको, तो यूराल पर्वत जो है वो एशियाई रूस को यूरोपीय रूस से अलग करता है और रूस की संसद का नाम है ड्यूमा और यहाँ की सबसे लंबी नदी है लीना नदी। रूस की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है जिसका नाम है एल्ब्रुस पर्वत और भारतीय संविधान में रूस से लिया गया जो मौलिक कर्तव्य और पंचवर्षीय योजना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोरोना वायरस के बारे में सटीक जानकारी उपलब्ध कराने के लिए COVACSD ऐप को किसने लॉन्च किया है? तो फ्रेंड्स ये लॉन्च किया गया है बनवारी लाल पुरोहित के द्वारा। पंजाब के राज्यपाल और चंडीगढ़ के प्रशासक जो है बनवारी लाल पुरोहित, उन्होंने कोवा चंडीगढ़ ऐप लॉन्च किया है। ये जो ऐप है वो जनता को COVID-19 पर सभी सूचनाओं तक आसान पहुंच प्रदान करता है। फ्रेंड टॉप 5 जो इम्पोर्टेंट ऐप रहे हैं रिसेंट में उनका रिविजन करते हैं। तो फर्स्ट है यहाँ पे, भारतीय सेना ने अपने आंतरिक संचार के लिए किस नाम से स्वदेशी मैसेजिंग ऐप को लॉन्च किया है? तो वो है एसिग्मा। नेक्स्ट है, किस राज्य की सरकार ने बस यात्रा के लिए चलो मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया है? तो फ्रेंड्स वो है महाराष्ट्र। नेक्स्ट है, संकटग्रस्त लोगों की सहायता के लिए कॉल योर कॉप मोबाइल ऐप को किस राज्य की पुलिस ने लॉन्च किया है? तो ये है नागालैंड। नेक्स्ट है, आज़ादी का अमृत महोत्सव जो है मोबाइल को किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया? तो ये संस्कृति मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट है, देश का पहला स्मार्टफोन आधारित ई वोटिंग ऐप जो है वो किस राज्य की सरकार ने विकसित किया? तो तेलंगाना के द्वारा इसको विकसित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत को ब्रह्मोस मिसाइल के लिए पहला विदेशी ऑर्डर किस देश से मिला है? फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, फिलीपींस के द्वारा इसका पहला विदेशी ऑर्डर मिला है। और जो दुनिया के सबसे तेज सुपरसोनिक एंटी शिप क्रूज मिसाइल है ब्रह्मोस, इसकी खरीद को मंजूरी दे दी गई है और इस मिसाइल की जो पूरी लागत आई है वो है डील करीब 37.49 करोड़ डॉलर रुपीज़ यानी कि $374.9 मिलियन के करीब होगी। फिलीपींस जो है वो एशिया महाद्वीप पे स्थित है, राजधानी है मनीला और करेंसी है फिलिपिनी पेसो। राष्ट्रपति है यहाँ के रोड्रिगो दुतेर्ते। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, दुनिया का सबसे उम्र दराज असली जीव कौन सा बना है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जोनाथन कछुआ जो है वो दुनिया का सबसे उम्र दराज स्थली जीव बना है। फ्रेंड रिपोर्ट्स के अनुसार जो जोनाथन का जन्म है वो 1832 में हुआ था और ये जो है 2022 में 190 साल का हो रहा है। फ्रेंड जोनाथन को साल 1882 में सेशल्स से साउथ एटलांटिक आइलैंड सेंट हेलेना में लाया गया था और गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड के मुताबिक जोनाथन जो उस व्यक्त पूरी तरह से व्यस्क था और कछुए के लिए पूरी तरह से व्यस्क होने का मतलब है कि उसकी उम्र 50 साल होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन सर्वेक्षण रिपोर्ट 2021 के अनुसार पिछले 2 वर्षों में देश के कुल वन
और वृक्षों से भरे क्षेत्र में कितने वर्ग किलोमीटर की बढ़ोतरी हुई है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 2261 किलोमीटर की बढ़ोतरी हुई है। और पर्यावरण संरक्षण व स्वच्छ वातावरण के लिए सबसे जरूरी जंगल और हरियाली ने भारत ने 2261 वर्ग किलोमीटर का इजाफा पिछले 2 वर्ष में किया है और इसमें 1540 वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र, 721 किलोमीटर स्क्वायर वृक्ष आवरण यानी कि टी कवर है। और नई वृद्धि में जो आंध्र प्रदेश है उसने सर्वाधिक 647 वर्ग किलोमीटर का योगदान दिया है। पिछली रिपोर्ट के अनुसार जो 8,07,276 वर्ग किलोमीटर फॉरेस्ट और ट्री कवर है कुल क्षेत्र का, ये है कम से कम 24.56%। और ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार है 8,09,537 वर्ग किलोमीटर हुआ है जो कि क्षेत्रफल का 24.62% है। टॉप 5 रिपोर्ट देखते हैं तो फर्स्ट है यहाँ पे वैश्विक रिश्वतखोरी सूची 2021 में भारत 82वें स्थान पर रहा है, पहले स्थान पर रहा है डेनमार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2021 फीफा रैंकिंग में भारत रहा 106वें स्थान पर और पहले स्थान पर रहा है बेल्जियम। नेक्स्ट है कानून सूचकांक 2021 में भारत 79th रैंक पर रहा है और फर्स्ट पर रहा है डेनमार्क। नेक्स्ट है फ्रेंड्स वैश्विक पेंशन सूचकांक 2021 में भारत रहा है 40वें स्थान पर और पहले स्थान पर रहा है आइसलैंड। और वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2021 में भारत का स्थान है 71वां और पहले स्थान पर है आयरलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 से 18 वर्ष की आयु के सभी बच्चों का टीकाकरण करने वाला पहला देश का राज्य है ऊटी यूटी कौन सा बना है? तो फ्रेंड ऑप्शन नंबर सी लक्षद्वीप जो है वो 15 से 18 आयु के सभी बच्चों का टीकाकरण कर दिया है और यह जो टीकाकरण है वो 3 जनवरी 2022 से शुरू हो गया था और लक्षद्वीप ने 3,492 बच्चों के टीकाकरण का उल्लेख लक्ष्य 1 सप्ताह के भीतर हासिल किया है। और लक्षद्वीप जो है वो भारत का केंद्र शासित प्रदेश है, इसकी स्थापना हुई थी 1 नवंबर 1956 को, राजधानी है कावरत्ती और प्रशासक है यहाँ के प्रफुल्ल। लक्षद्वीप जो है वो अरब सागर में स्थित है और किस द्वीप को प्रवाल द्वीप कहा जाता है? फ्रेंड लक्षद्वीप को जो है वो प्रवाल द्वीप कहा जाता है। लक्षद्वीप जो है उच्च न्यायालय, लक्षद्वीप का जो उच्च न्यायालय है वो केरल राज्य के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक के नए MD और CEO कौन बने हैं? तो फ्रेंड्स इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, इतिरा डेविस जो है वो उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक के नए MD और CEO बने हैं और ये जो है फ्रेंड्स वो नितिन जुग की जगह लेंगे। फ्रेंड टॉप 5 MD एंड CEO देखते हैं तो इसमें फर्स्ट है RBL बैंक के नए MD एंड CEO बने हैं जिनका नाम है राजीव आहूजा और जम्मू कश्मीर बैंक के नए MD एंड CEO बने हैं बलदेव प्रकाश। क्वटास स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड के नए MD एंड CEO का नाम है वासुदेवन पठानी नरसिम्हन और यूको बैंक के नए MD एंड CEO का नाम है सोमा शंकर प्रसाद। पंजाब नेशनल बैंक के जो नए MD एंड CEO बने हैं उनका नाम है अतुल कुमार गोयल। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स भारतीय ऐतिहासिक अनुसंधान परिषद के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, रघुवंत तंवर जो है वो भारतीय ऐतिहासिक अनुसंधान परिषद के नए अध्यक्ष बने हैं। फ्रेंड कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के प्रोफेसर जो है जिनका नाम है एमरिट्स रघुविंद्र आर तंवर को भारतीय ऐतिहासिक अनुसंधान परिषद के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। फ्रेंड टॉप 5 जो नए निदेशक और अध्यक्ष बने हैं उनको देखते हैं तो फर्स्ट है यहाँ पे IIT मद्रास के नए निदेशक बने हैं प्रोफेसर वी कामकोटी और असम राइफल्स के 20वें महानिरीक्षक बने हैं विकास लखेरा और कृषि लागत और मूल्य आयोग के अध्यक्ष बने हैं विजय पॉल शर्मा और भारत के नए नौसेना प्रमुख बने हैं आर हरि कुमार। PTC इंडिया लिमिटेड के नए CMD बने हैं राजीव कुमार मिश्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कचाई लेमन फेस्टिवल 2022 मनाया गया है। फ्रेंड्स ये मनाया गया है मणिपुर में। एक अनोखे प्रकार के नींबू का फल को बढ़ावा देने और नींबू किसानों को प्रोत्साहित करने के लिए हर साल जो है कचाई लेमन फेस्टिवल का आयोजन किया जाता है और इसका जो विषय रहा था वो है सुरक्षित पर्यावरण और ग्रामीण परिवर्तन के लिए जैविक कचाई नींबू और इसका जो संस्करण रहा था फ्रेंड्स वो है 18वां। मणिपुर के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं तो मणिपुर की राजधानी है इम्फाल, मुख्यमंत्री है एन बीरेन सिंह जो कि BJP पार्टी से हैं और गवर्नर है ला गणेशन। मुख्य न्यायाधीश का नाम है P वेंकट संजय कुमार और यहाँ पे केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान जो है वो स्थित है। मणिपुर के 3 पड़ोसी राज्य जिनमें फर्स्ट है असम, सेकेंड में है नागालैंड और थर्ड पे है मिजोरम। मणिपुर की लोकसभा सीटों की संख्या है 2 और यहाँ पे लोकसभा लोकटक झील जो है वो मणिपुर राज्य में ही स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स
सशस्त्र सेना वयोवृद्ध दिवस 2022 जो है वो कब मनाया गया है? तो इसका आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए, 14 जनवरी को ये दिवस मनाया गया है। और इस दिवस को मनाने का जो उद्देश्य है वो है कि राष्ट्र की सेवा में हमारे दिग्गजों की निस्वार्थ भक्ति और बलिदान को स्वीकार करना और उनका सम्मान करना है। और इसका संस्करण रहा है छठा। फ्रेंड्स आज का टेस्ट क्वेश्चन है, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2022 में भारत किस स्थान पर रहा है? तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर है वो आप अपने कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करिएगा, और आपको ये वीडियो कैसा लगा वो भी मुझे जरूर बताइएगा। फ्रेंड्स प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए और शेयर करिए। थैंक यू।